उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ समय से दलित समाज के प्रति बढ़ रही आपराधिक घटनाओं से आहत होकर आज मुरादाबाद में एक दलित महापंचायत आउट की गई, जिसमें आसपास के जनपदों से सैकड़ों की संख्या में दलित समाज के अपनी बात रखने के लिए पहुंचे हुए हैं। दरअसल गत वर्ष जनपद हाथरस के बहुत चर्चित दलित युवती हत्याकांड के बाद से जिसे दलित समाज के साथ आपराधिक घटनाओं में आई बाढ़ से आहत होकर आज मुरादाबाद के मंझोला इलाके में एक दलित महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें आसपास के जनपदों से भी दलित संगठनों से जुड़े लोग पहुंचे हुए हैं। खुशालपुर में सड़क के किनारे लगे बड़े से मंच पर दर्जनों दलित समाज के नेता अपनी बात रख रहे हैं। दरअसल मुरादाबाद के इसी इलाके में एक दलित युवती को गला घोटकर बदमाशों ने मार दिया था, जिसके बाद काफी हंगामा भी मचा। और इसी कड़ी में दलित समाज का एक युवक भी गुमशुदा है, जिसे लेकर दलित समाज में गुस्सा व्याप्त है। प्रदेश में चल रही किसान महापंचायतों के समर में आज की ये दलित महापंचायत योगी सरकार के लिए खासी परेशानी पैदा करने वाली साबित हो सकती है, क्योंकि मंच से दलित समाज को सरकार के लिए एकजुट होने का आह्वान वक्ताओं द्वारा लगातार किया जा रहा है। ये महापंचायत बुलाइए जो देश प्रदेश में शोषित खटवंशी समाज के साथ जो जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है, उन बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार हत्याएं हो रही है और तमाम जो देश प्रदेश में भय का माहौल बना पड़ा है, उनके खिलाफ में उनके विरोध में ये विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया है। इसमें तमाम विभिन्न संगठनों के लोग यहाँ मिलकर सब महापंचायत कर रहे हैं। किसान पंचायत हो रही है, ये किसान पंचायत से हटके पंचायत है, क्योंकि ये किसान पंचायत से इसलिए हटके है, किसान भाई भी हमारे हैं, उस पंचायत को भी हमारा समर्थन है। लेकिन जो 5000 साल से जो जातिवाद का दंश भारत में है, जो जातिवाद का कलंक भारत में है, जो जाति का कलंक भारत में, जाति व्यवस्था का कलंक भारत है, उसको समाप्त करने के लिए और ये जातिवाद ना फैले, मानव मानव में भेद ना हो, उस बात को खत्म करने के लिए महापंचायत का ऐलान करा गया है। मानव को जाति के आधार पर उसका शोषण हो रहा है, उस बात के लिए महापंचायत का ऐलान करा गया है। सवाल हो रहा है मेरा, ये इस तरह की पंचायत क्या पहले भी कभी हुई है कि पिछले 2-4 साल? इस तरह की पंचायत ये पहली बार हो रही है और लगातार ऐसी पंचायत हम लगातार करते रहेंगे। 2 अप्रैल का आंदोलन भी हमने करा एक्ट को लेके, तमाम आंदोलन हम विभिन्न संगठन मिलकर करते रहते हैं और इसमें तमाम पार्टी भी हमें समर्थन देने का काम करती है। लेकिन हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है किसी पार्टी से भी, हमारा खाली सामाजिक संगठन और बुद्धिजीवी वर्ग और क्रांतिकारी युवा ही इसमें शामिल होते हैं। राजनीति तो नहीं है, 2022 का चुनाव आ रहा है, इसमें कोई भी राजनीति नहीं है। क्या बहन बेटी की इज्जत उठ जाएगी, उसमें भी राजनीति होगी? क्या क्या घरों से लड़कियां उठा ली जाएंगी, उसमें भी राजनीति होगी? ये सोचना चाहिए, मानवीय भावों को सोचना चाहिए, इसमें हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए।